हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स हॉबीज। दिस इज सृष्टि। फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके सामने नया कुकिंग ब्लॉग लेके आई हूँ। आज मैं आपको तंदूर की तवा रोटी की रेसिपी बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज तक आपने मैदा की तंदूर रोटी खाई होगी, लेकिन आपने आटे की कभी नहीं खाई होगी। इसलिए आज मैं आपके सामने आटे की तवा तंदूरी रोटी लेके आई हूँ, वो भी घर पर इजी वे में। आप इसे सिंपल तरीके से भी बिना ओवन की हेल्प से भी बना सकते हो, सिर्फ तवे पर। ओके फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर ना करते हुए और बातें हम वीडियो के एंड में करूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। सबसे पहले तंदूर की रोटी बनाने के लिए हम जो डेली में जो है ना चपाती खाते हैं, उसका ही हमने इधर फ्लोर यूज में लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला लेंगे। बेकिंग पाउडर के बाद अब हमें इधर बेकिंग सोडा मिलाना है। उसके बाद हमें शुगर ऐड करनी है और लास्ट में सॉल्ट ऐड करना है। फिर हमें इसे मिक्स कर लेना है। फिर हमें इसमें ताजा दही ऐड करना है। फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह से। फिर इसमें पानी मिलाकर डो लगा लेंगे तंदूर का। हमें कुछ इस तरह से डो लगाना है। फिर इसे तेल से ग्रीस कर लेना है। फिर हमें इसे डो को 10-15 मिनट्स रेस्ट करने के लिए रख देना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम अपना डो चेक करते हैं। हमारा डो कुछ इस तरह से है। अब इसकी एक बार दोबारा मालिश कर लेंगे। अब तंदूर के लिए सबसे पहले हमें इसका एक पीस तोड़ना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें इसका पीस ले लेना है। इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। इस तरह से हमारा तंदूर बेला गया है। अब कुछ इस तरह से हमने हमारी रोटी बेल ली है। अब इसके एक साइड में हम पानी लगा देंगे ताकि ये तवे पर अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर हमें इसको केयरफुली उठाना है और तवे पे डाल देना है। अब हमें इसको कुछ इस तरह से प्रेस करना है। अभी ऊपर से फूल गई है। अब हमें तवा उल्टा करके इसे गैस पर सेक लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने दूसरी तंदूर रोटी बेली है, इसको भी केयरफुली हम तवे पे डाल देंगे और इसे कुछ इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब हम तवे को उल्टा करके इसे कुछ इस तरह से सेक लेंगे। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, हमारी रोटी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है, क्योंकि हमने इसे पानी से बिल्कुल अच्छी तरह से तवे पर चिपका दिया है। आप ये देखिए, हमारी हाफ हाफ सिक गई है तंदूर। ये आप देखिए, हमारी तंदूर हाफ हाफ सिक गई है। चैन बिल्कुल बाजार जैसी फूली फूली और मोटी मोटी बनी है। आप नीचे से भी देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर कितना शानदार आया है। यहाँ हमने बटर लगा लिया है। ये हो गई हमारी बाजार स्टाइल तंदूर रोटी तैयार। फ्रेंड्स, आज मम्मी ने सेव टमाटर की सब्जी बनाई है। इस सेव टमाटर की सब्जी की रेसिपी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने दूसरी तंदूर रोटी बेली है, इसको भी केयरफुली हम तवे पे डाल देंगे और इसे कुछ इस तरह से प्रेस कर लेंगे।
अब हम तवे को उल्टा करके इसे कुछ इस तरह से सेक लेंगे। पैन जैसे तवे तो देख सकते हो, हमारी रोटी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है क्योंकि हमने इसे पानी से बिल्कुल अच्छी तरह से तवे पर चिपका दिया है। आप ये देखिए, हमारी हाफ हाफ सिक गई है तंदूर। ये आप देखिए, हमारी तंदूर हाफ हाफ सिक गई है। चैन बिल्कुल बाजार जैसी फूली फूली और मोटी मोटी बनी है। आप नीचे से भी देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर कितना शानदार आया है। यहाँ हमने बटर लगा लिया है। ये हो गई हमारी बाजार स्टाइल तंदूर रोटी तैयार। फ्रेंड्स, आज मम्मी ने सेफ टमाटर की सब्जी बनाई है। इस सेफ टमाटर की सब्जी की रेसिपी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, कितना इजी लगा ना बनाना। इसी तरह आप घर पे बिना ओवन की हेल्प से तवे पर तंदूर बना सकते हो, वो भी बिना पेट खराब किए, बिना मैदे के हेल्प से। सिर्फ आटे से बनाइए तंदूर रोटी। ओके गाइस, एक बार आप इसे घर पे जरूर ट्राई करना और मुझे जरूर बताने कि आपको इस तंदूर रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, कल नहीं, आप इसको आज ही घर पे ट्राई करना और मुझे जरूर बताने कितना इजी है और आपकी मम्मी को भी इसमें टाइम नहीं लगेगा बनाने में। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना, जब आप तवे वाली आटा रोटी बना रहे हो तो बटर जरूर यूज करना। इसमें आपको बाजार का ढाबा स्टाइल तंदूर रोटी का टेस्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।